उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास स्थित सीतापुर शहर में नैमिषारण्य एक पवित्र तीर्थ स्थल है। महापुराणों की रचना और सत्यनारायण भगवान की पहली कथा यहीं लिखी गई थी। पुराणों में भी इस धाम का उल्लेख मिलता है। चार धाम की यात्रा नैमिषारण्य की यात्रा के बिना अधूरी मानी जाती है। नैमिषारण्य नैमिष या नीमशार नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस पवित्र स्थल के इतिहास और प्रमुख आकर्षणों के बारे में। क्यों बना नैमिषारण्य साधुओं की तपोभूमि? कहा जाता है कि नैमिषारण्य वही स्थान है जहां ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने वैरी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। एक अन्य कथा के अनुसार नैमिषारण्य का नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया है। महाभारत युद्ध के बाद साधु संत कलयुग के प्रारंभ को लेकर चिंतित थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा जो कलयुग के प्रभाव से अछूता रहे। ब्रह्मा जी ने एक पवित्र चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए कहा कि जहां भी ये चक्र रुकेगा वो स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। चक्र नैमिष वन में आकर रुका, इसीलिए साधु संतों ने इसी स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। भगवान राम ने किया था अश्वमेध यज्ञ। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। प्राचीन काल में करीब 88,000 ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तप किया था। रामायण में भी उल्लेख है कि भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि लवकुश का भी मिलन इसी स्थान पर हुआ था। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी इसी जगह आए थे। नैमिषारण्य के प्रमुख आकर्षण केंद्र चक्रतीर्थ। यह नैमिषारण्य का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने देवताओं का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग किया था। भेतेश्वरनाथ मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित 800 साल पुराना मंदिर है। व्यास गद्दी। यह महर्षि वेदव्यास का निवास स्थान था जहाँ उन्होंने महाभारत की रचना की थी। हवन कुंड। यह भगवान राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ के दौरान उपयोग किया गया हवन कुंड है। ललिता देवी का मंदिर। यह देवी लक्ष्मी को समर्पित नैमिषारण्य का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। पंचप्रयाग। यह पांच नदियों का संगम है, गोमती, सरस्वती, घाघरा, यमुना और अलकनंदा। शेष मंदिर। यह भगवान विष्णु के शेषनाग को समर्पित नैमिषारण्य के प्रमुख मंदिरों में से एक है। क्षेमकाया मंदिर। यह भगवान हनुमान को समर्पित नैमिषारण्य के प्रमुख मंदिरों में से एक है। हनुमानगढ़ी। यह भगवान हनुमान को समर्पित नैमिषारण्य के प्रमुख मंदिरों में से एक है। पंच पांडव मंदिर। यह पांडवों को समर्पित मंदिर है। पंचपुराण मंदिर। यह पांच पुराणों को समर्पित मंदिर है। नैमिषारण्य धार्मिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। यहाँ शांत वातावरण और मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।